Hey guys, welcome back to my channel Blossom with Kiran. So let's start to unbox the Rangila modeling clay. ये इसका पैक है, कितना ब्यूटीफुल और कलरफुल है. इसके अंदर एक क्लाउन भी है साइड में छोटा सा, और ये अच्छे से रैप है प्लास्टिक रैपर से ताकि इसके अंदर से क्ले ना बाहर निकल जाए. तो इसमें लिखा हुआ है दिस किट कंटेन 8 मॉडलिंग डो ट्यूब ऑफ 25 ग्राम ईच एंड 4 मॉडलिंग टूल. एंड द नेट वेट ऑफ दिस पैक इज 200 ग्राम्स. एंड जो ये पीडीलाइट इंडस्ट्री है प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बनाई हुई है. जो फैब्रिक कॉल ब्रांड होता है वही, उसी से रिगार्डिंग ये कंपनी है. और इसका जो MRP है आप देख सकते हैं 130 रुपीज़ है. इसके अंदर अलग अलग कलर्स हैं ये सारे मॉडलिंग डो के, यू कैन सी इट. इसके अंदर फर्स्टली है जो फ्लोरो ऑरेंज है, फिर देन रेड है, वायलेट, ब्लू, वाइट, येलो, ग्रीन एंड फ्लोरोसेंट पिंक. लेट्स ओपन इट. एडजस्ट कट सेफली द पॉलिथिन एंड अनपैक इट. तो देखते हैं इसके अंदर कैसे इसके बॉक्स हैं और अंदर से इसका क्ले कैसा लगता है. तो आप देख रहे हैं ये बॉक्सेस, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस हैं. 8 कलर मॉडलिंग डो के बॉक्स हैं. और इसको निकालते हैं हम. वैसे ये इजीली निकल आता है इसके अंदर से, और अगर आपने इस बॉक्स को उल्टा कर दिया तो ये सारे के सारे कंटेनर क्ले के बाहर निकल आएंगे. सो यू हैव टू बी सेफ के इधर उधर ना गिर जाए, तो आपको सीधा ही रखना पड़ेगा इस बॉक्स को. सो अब मैंने ये सारे कंटेनर्स जो हैं इस अंदर से निकाल दिए हैं इस बॉक्स में से, और ये सारे कलर्स हैं इसके, क्यूट से छोटी छोटी कंटेनर्स हैं इसकी. तो अब हम इसके बॉक्स को ओपन करेंगे और इसके अंदर से जो 4 मॉडलिंग टूल जो ये बोल रहे हैं उसको निकालते हैं. ओके, तो ये है इसके मॉडलिंग टूल्स. अलग अलग शेप्स हैं, डॉग की है और अलग अलग शेप्स हैं. यू कैन सी दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है बट एलिफेंट जैसा लग रहा है शायद, मे बी, पता नहीं, बट फ्लावर भी लग सक रहा है. अब ये वाली शेप कौन सी है, ये शायद शिप है. ओके, या बोट. एंड देन फिश. ये सारी शेप्स हैं इसकी 4 मॉडलिंग टूल की. अब हम इस कंटेनर को ओपन करते हैं. इसके अंदर ये लिड है, इसको ओपन कर सकते हैं. एयरटाइट कंटेनर है. एंड ये रेड वाला ओपन करके देखते हैं. ओके, तो ये बहुत सॉफ्ट है और ये ब्रांड ये ऐसा कहता है कि नॉन टॉक्सिक है और सेफ फॉर किड्स है. बट फिर भी मेक श्योर कि आपके बच्चे जो हैं इसको प्ले करने के बाद अपना हैंड ज़रूर से वॉश करें. नाउ लेट्स मेक समथिंग. रेड को मैंने ऐसे रोल करा एंड इट्स लाइक अ फ्लावर, रोज फ्लावर बर्ड. और बहुत ही अच्छा लग रहा है, कहीं ब्रेकेज नहीं हो रही है इसके अंदर क्ले में. और बहुत सॉफ्ट है, नाइस है और इजी टू यूज़ है, फटाफट से बनता है. नाउ मेक वन मोर थिंग, ऐसे छोटे छोटे राउंड करके और उसको फ्लैट करेंगे 2 to 3 एंड देन एक छोटा सा क्यूट सा रोज़ बनाएंगे और ऐसे पेटल्स को साथ साथ में लगाते जाएंगे. वन मोर राउंड करेंगे, फ्लैट करेंगे, देन स्पेकल को उसके साथ लगा देंगे. वन मोर और ऐसे करते करते हम छोटा सा नाइस क्यूट सा फ्लावर बना सकते हैं. सो यू कैन मेक एनीथिंग व्हाट यू वांट.
कुछ भी बना सकते हैं आप इसके अंदर, कार्टून करेक्टर्स बना सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आपने इसको मिक्सिंग करके एक न्यू कलर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने रेड और वाइट को मिक्स किया थोड़ा थोड़ा, तो इट्स मेक पिंक। सो यू कैन मेक डिफरेंट कलर, दो क्ले को मिक्स करें एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन कलर। तो उसे ज़्यादा कोई मिक्स कर सकते हैं अगर आपको कुछ और अच्छा सा कलर चाहिए। तो देन ये येलो वाला कलर है, काफ़ी अच्छा है। डोल्स का जो है बहुत ही सॉफ्ट है और मुझे तो बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा है इसको ऐसे ऐसे करके हाथ में। नाउ मेक वन मोर थिंग, इसको ऐसे लंबा सा कॉइल बना लेंगे एंड देन इसके राउंड, इसके आसपास राउंड कर देंगे। सो यू कैन मेक सन विद दैट, ऐसे सन बना सकते हैं। कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर दो से कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अपना सीन क्रिएट कर सकते हैं। कोई ग्रीन कलर से लीव्स बना सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट। ये ग्रीन कलर का डो है और ये भी काफ़ी स्मूद है, अच्छे से इनमें ज़्यादा पेन नहीं हो रहा। नहीं तो कुछ क्ले ऐसे होते हैं जिसको हाथ में दबाने से बहुत पेन होता है, बट ये ऐसा नहीं है। स्क्वेयर बहुत ही सॉफ्ट है, कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि आपके हाथ में पेन होगा या कुछ, पेन भी नहीं ऐसा हो रहा। और बहुत ही आराम से आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं एंड देन आपका, आप जब प्ले कर लो इसको वापस अपने कंटेनर में डाल के इसका लिड क्लोज कर दो, क्योंकि ये टाइट है तो ये ड्राई नहीं होने देगा क्ले को। बट मेक श्योर कि जब आपने यूज़ कर लिया है तो ये वापस से अपने कंटेनर में डाल के इसको बंद कर दें, ताकि जो क्ले है वो ख़राब ना हो। नहीं तो बाहर एयर के ज़्यादा कॉन्टैक्ट पे रहने से ये ख़राब भी हो सकता है, बहुत ड्राई हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल होती है फिर ये वापस से सही होने में बहुत टाइम लगता है। वैसे ये लोग बोलते हैं कि इसके अंदर 1 or 2 drops वाटर की डाल के आप इसको दोबारा से सॉफ्टन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ये ड्राई हो ही ना। अगर हो भी जाता है तो 1-2 drops वाटर की डाल के इसको सॉफ्टन किया जा सकता है हार्ड डो को। एंड देन इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द पिंक क्ले और ये भी बहुत क्यूट सा कलर है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये वाला कलर, पिंक कलर। इट्स अ फ्लोरोस, फ्लोरा पिंक, फ्लोरा पिंक। ओके, एंड इट्स लास्ट वन। कलर्स बहुत ही बहुत अच्छे हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं इसके और प्ले करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, एक बात और, रंगीला मॉडलिंग डो जो है वो बच्चे में क्या इन्हेंस करता है, उसमें क्या डेवलपमेंट होती है। इससे क्या होता है कि जो हमारे जो बच्चों का जो फाइन मोटर स्किल है वो जो है उसके जो वो डेवलप होती है, सेंस ऑफ फॉर्म एंड डिटेल डेवलप होती है, इनकी इमेजिनेशन डेवलप होती है, उनकी क्रिएटिविटी डेवलप होती है और उनका जो हैंड और आई का जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो मोस्टली बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है इससे। सो मुझे लगता है कि हमें बच्चों को इसके साथ खेलना चाहिए। पहले तो हम मिट्टी से, जब हम छोटे थे तो हम मिट्टी से खेल लेते थे और मम्मी हमें आटा भी दे देती थी तो हम आटे से प्ले करते रहते थे ऐसे ही, और उस आटे से कुछ भी बनाते रहते थे, मिट्टी से कुछ बनाते रहते थे, इमेजिनेशन। ओके, नाउ अब ये जो मॉडलिंग टूल है इसका यूज़ करके देखते हैं इससे अच्छे से कट हो रहा है कि नहीं, अच्छे से बन, मॉडलिंग से जो हम शेप देना चाहते हैं वो अच्छे से बनती है कि नहीं। आप इसको पहले राउंड करके इस डो का और एक फ्लैट, इसको फ्लैट कर दीजिए एंड देन जो भी आपको टूल अच्छा लग रहा है उसको उस पर रख के प्रेस कर दीजिए एंड रिमूव द एक्सेस, जो भी आपको एक्सेस नज़र आ रहा है उसको रिमूव कर दीजिए फिंगर से एंड देन उस टूल को हटा दीजिए। वैसे
बना तो अच्छा है, फिश का है ये। यू कैन मेक इट मोर क्रिएटिव, आप इसके अंदर आइज लगा सकते हैं, इसके फिन्स लगा सकते हैं और क्रिएटिव बना सकते हैं आप, जिस आपके हिसाब से, आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से। नाउ लेट्स ट्राई दिस। पता नहीं मैं शायद उल्टा बना रही हूँ वैसे का, आई डोंट नो कि मैंने क्या बनाया, मुझे इसकी एक्चुअली मैं शेप ही नहीं समझ आ रही है कि क्या है। मुझे कुछ शायद फ्लावर जैसा लग रहा है बट आई डोंट नो कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं। या ये एलिफेंट भी हो सकता है, एलिफेंट बेबी, स्मॉल बेबी एलिफेंट, आई डोंट नो। बट मैंने आपको ये टूल यूज़ करके दिखा दिया है, आप ही कमेंट करके बता दीजिए क्या है ये। ओके नेक्स्ट इज मैंने येलो मोल्डिंग क्ले दिया है एंड देन इसको फ्लैट कर दिया मैंने, थोड़ा सा हम इसको ऊपर स्पेस दे देते हैं इसको बनाने के लिए। नाउ इट्स अ डॉग, डॉग को डॉग के मॉडलिंग टूल को ऊपर रखा एंड देन रिमूव एक्सेस क्ले, ये रहा हमारा स्मॉल लिटिल डॉग, क्यूटी क्यूटी सा। आप इसके अंदर आइज लगा सकते हैं इसकी और इसको इजीली हम रिमूव भी कर पा रहे हैं टेबल से। और शेपिंग टूल भी, इसकी जो मॉडलिंग टूल है ये काफ़ी, ये भी अच्छा है और आप इससे, इस टूल का यूज़ करके आप ये सारी शेप्स बना सकते हैं और इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ अपनी क्रिएटिविटी डालिए एंड देन यू कैन मेक इट मोर ब्यूटीफुल। नाउ मेक आई एम मेकिंग ऑरेंज कलर डो, फ्लोरा ऑरेंज कलर, राउंड करा फिर देन मैंने फ्लैट किया, आप रोलर पिन से भी फ्लैट कर सकते हैं, मैंने हैंड और फिंगर का यूज़ करके फ्लैट करा। ओके नाउ उसके ऊपर उस मॉडलिंग टूल को रखो, थोड़ा सा प्रेस करो एंड देन रिमूव द एक्सेस। ओके ये क्या है, ये शायद शिप है जो मैंने उल्टा रख दिया है आप सीधा रख लेना। ओके सो एवरीवन, तो ये था रंगीला मॉडलिंग डो और इसका रिव्यू कि ये बहुत सॉफ्ट है, इसके मॉडलिंग टूल बहुत अच्छे हैं, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा रहा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।